वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है खैरियत खे, से हो गए अच्छा जी आ, आज का जो हमारा एजेंडा है वो एक सवाल है और ये आपका विंटर 2015 का आई का पास पेपर का क्वेश्चन है फॉरेक्स के बारे में फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में और अगर फॉरेन करेंसी रिस्क आपके सिलेबस का हिस्सा है चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है चीज़ों को समझने के लिए तो सवाल को जरा डिस्कस करते हैं और बड़ा गौर से डिस्कस करते हैं सवाल कहते हैं वंडर लिमिटेड डब्ल्यू एल इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड मल्टी नेशनल कंपनी वंडर लिमिटेड इज अ पाकिस्तान बेस्ड मल्टी नेशनल कंपनी मार्वेल इंटरप्राइज़ेस इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ डब्ल्यू एल इन यू आई इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू एल एक कंपनी है और एम ई उसी की सब्सिडरी है सब्सिडरी यानी कि उसी कंपनी की एक ब्रांच है कह लो और जिन्होंने रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है वो सब्सिडरी जानते होंगे क्या होती है डब्ल्यू एल एंड एम ई कैरी आउट फ्रीकुन ट्रांजेक्शन सेल्स एज वेल एज विद इंडिपेंडेंट कंपनी प्रोस्पेरिटी सर्विस पी एस पी एस एक सेपरेट कंपनी है कोई और कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन यू एस डब्ल्यू एल एंड एम ई फॉलो सेंट्रलाइज्ड है प्रोजेक्टेड रिसेप्ट आर एस फॉलो कुछ आपको रिसिविंग और पेमेंट्स दी हुई हैं फॉरन करेंसी में और जब रिसिविंग और पेमेंट फॉरन करेंसी में होती हैं तभी फॉरन करेंसी रिस्क आता है द कोटेड एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स आर एस फॉलो कुछ एक्सचेंज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं सवाल की मेन रिक्वायरमेंट है एनालाइज एंड डिवाइस अ हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर डब्ल्यू एल एन एम ई दस मार्क्स यानी कि कोई एक आप हेजिंग की स्ट्रेटजी इन कंपनीज के बीच में जो है ना वो डिवाइस करो अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें मुख्तलिफ रिसप्ट और पेमेंट्स दी हुई हैं और पहले तो इन्हीं पेमेंट्स और रिसिप्ट को एक दूसरे के साथ नेट करेंगे नेट करने का क्या मतलब है देखना ज़रा गौर से ज़रा मेरी बात सुनना देखो डब्ल्यू एक कंपनी है डब्ल्यू जो कंपनी है ना उसने रिसीव करना है यहाँ पे रिसीविंग लिखी हुई है इससे पी एस से पी एस से टू सेवन फोर टू ट्रिपल ज़ीरो का अमाउंट रिसीव करना डब्ल्यू ने पी एस से टू सेवन फोर टू ज़ीरो 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 का अमाउंट रिसीव करना डब्ल्यू ने पी एस से टू सेवन फोर टू जीरो 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 का अमाउंट रिसीव करना रिसीव करना यानी कि ऑप्टेन करना और साथ ही साथ डब्ल्यू एल ने पी एस को वन वन फोर फाइव ट्रिपल जीरो पे करना तो देखिए नेट जो आपकी हेजिंग होगी ना वो जाहिर सी बात है आप, आप जो रिसीव कर रहे हो आप जो रिसीव कर रहे हो उसी में से आप वन वन फोर फाइव ट्रिपल जीरो पे कर दो बाकी जो अमाउंट बच जाएगा वो आपकी नेट रिसीविंग होगी आप ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले पूरा अमाउंट जो है वो यू से पाकिस्तान में रिसीव करो और फिर उस अमाउंट में से डॉलर्स को पे करो बल्कि आपने उस कंपनी को ये कहा कि भाई तुमने मुझे टू सेवन फोर टू ट्रिपल ज़ीरो देना है और मैंने तुम्हें वन वन फ़ोर फ़ाइव ट्रिपल ज़ीरो देने हैं तो तुम मुझे पूरे पैसे दो फिर मैं उसमें से तुम्हारे पैसे दूं ऐसा करने के बजाय जो टू सेवन फोर टू ट्रिपल ज़ीरो से तुम वन वन फोर फाइव ट्रिपल ज़ीरो अपने रख लो और नेट पैसे पाकिस्तान में मैं ले आऊँगा तो नेट जो आपकी रिसिप्ट होंगी ना डॉलर्स में वो ये वाली अमाउंट होगी ये एक बात हो गई ठीक है भाई अच्छा इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि भाई धरम्ज़ में क्या है? अब देखिए धरम्स में डब्ल्यू एल जो कंपनी हमारी कंपनी है उसे वन सेवन सेवन फाइव ट्रिपल ज़ीरो एम ई से रिसीव करना वन सेवन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो एम ई से रिसीव करना अच्छा ये याद रहे कि डब्ल्यू एल और एम ई एक ही कंपनी है एम ई डब्ल्यू एल की सब्सिडी है दोनों सेंट्रलाइज एजिंग पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं यानी कि जो सब्सिडी और पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एक जेब से पैसा गया तो दूसरी जेब में आया तो भाई वन सेवन सेवन फ़ाइव ट्रिपल जीरो जो है डब्ल्यू एल ने एम ई से रिसीव करने हैं और एम ई ने एम ई ने एम ई ने डब्ल्यू एल को वन सेवन सेवन फ़ाइव ट्रिपल ज़ीरो पे भी तो करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जेब से डरम्स निकले और दूसरी जेब में धरम्स गए इफ़ेक्टिवली देर इज़ नो एक्सचेंज if we talk about entire company or group of companies वन सेवन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो जो है वो डब्ल्यू एल एक कंपनी है पेरेंट कंपनी उधर से सब्सिडरी कंपनी के पास गए या सब्सिडरी कंपनी के पास से पेरेंट कंपनी के पास आए तो कोई एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नहीं हुई कोई हमारा जो एक्सचेंज uh, डीलर के पास करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हुई है एक ही कंपनी का जो डिपार्टमेंट है जो हेजिंग का डिपार्टमेंट है उसने एक गल्ले में से पैसे निकाल कर दूसरे गले में डाल दिए यह हमारी दोनों इंटरनल कंपनीज है दूसरी ए वाली जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि एम ई e. ने वन नाइन वन फाइव ट्रिपल ज़ीरो रिसीव करना है डब्ल्यू एल से और जब डब्ल्यू एल से रिसीव कर रहे हैं तो डब्ल्यू एल में पे भी करने होंगे तो अगेन देखो होगा क्या कि नाइन वन फाइव ट्रिपल जीरो एक जेब से रिसीव हो रहे हैं और दूसरी जेब से नाइन वन फाइव ट्रिपल जीरो पे हो रहे हैं ये इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन है एक ग्रुप आपस में ही धरम या कोई भी करेंसी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने ही इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये तो कोई ट्रांजेक्शन ना हुई ये तो कोई एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ना हुई इसके लिए मुझे दिरम्स को जाकर एक्सचेंज डीलर के पास कन्वर्ट करवाना नहीं पड़ेगा या यू एस डॉलर्स को या रुपीज़ को कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा ये इंटरनल ट्रांजेक्शन सवाल में ऊपर क्लियरली मैंशन है कि डब्ल्यू एल और एम ई एक ही कंपनी है अब आती है बात एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन अगर आप देखते हो ना तो देखिए एम ई एम ई एम ई यू ए बेस्ड कंपनी है एम ई -E, हमारी ही कंपनी है जिसका हम हिसाब किताब कर रहे हैं और इसने पी एस को इसने पी एस को सेवन फोर्टी थाउज़ेंड पे करने हैं इसने पी एस को सेवन फोर्टी थाउजेंड पे करने हैं सात लाख चालीस हज़ार डरम्स पे करने हैं सात लाख चालीस हज़ार डरम्ब पे करने हैं है। साथ में पी एस जो एक बाहर की कंपनी है ठीक है पी जो सॉरी रिसीव करने सात लाख चालीस हजार हाँ एम ने चार सात लाख चालीस हजार ए से रिसीव करने और एम ने टू सिक्स टू सिक्स नाइन जीरो 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 जीरो, जीरो ये पे भी तो करने है। भाई सात लाख चालीस हजार एम ने रिसीव करने है और टू सिक्स नाइन जीरो ट्रिपल जीरो पे करने है। तो आउटसाइड द ग्रुप क्या हुआ कि नेट आपने वन नाइनटी फाइव वन नाइन फाइव जीरो ट्रिपल जीरो पे करने हैं ये आपके नेट रिजल्ट्स हैं ठीक है ना इसको ज़रा हम समराइज कर देते हैं या आप आप रिसीव करोगे यूएस डॉलर्स में और ये आपने पे करना है ये आपने पे करना है ए ई डी में ठीक है जी ये दो वर्किंग सबसे क्रूशियल थी अच्छा अब आप जो है वो फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन ऑप्शन मनी मार्केट हेज ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तो ये सवाल बड़े आसानी से आप कर लोगे कैसे कर लोगे ये सवाल देखो डिफरेंट हैचिंग की टेक्निक्स होती हैं उसमें से एक जो स्पेसिफिक टेक्निक्स है वो फॉरवर्ड्स है तो अगर मैं फॉरवर्ड्स वाली टेक्निक लेता हूँ तो मेरे सवाल में मुझे फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है मुझे बोला हुआ है द कोटेड एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स आर एस फॉलोज ये एक्सचेंज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स एक्सचेंज रेट्स में इससे लिखा हुआ है पी के आर स्लैश यू एस डी के आर स्लैश बाई सेल बाई सेल स्पॉट स्पॉट क्या होता है सर स्पॉट आज का रेट होता है स्पॉट क्या होता है स्पॉट आज का रेट होता है स्पॉट क्या होता है स्पॉट आज का अभी का इसी वक्त का रेट होता है लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन देखते हो अगर आप ट्रांजेक्शन देखते हो तो ट्रांजेक्शन कब होनी है प्रोजेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन वन मंथ टाइम आर एस फॉलोज एक महीने बाद ये ट्रांजेक्शन होनी है एक महीने बाद ये ट्रांजेक्शंस होनी है और एक महीने बात का फॉरवर्ड रेट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अगर अभी कर लूँ तो मेरे पास ये एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट्स होंगे जो मैंशन हैं अच्छा इसमें बाइंग के रेट क्या होते हैं सेलिंग के रेट क्या होते हैं कौन सा रेट पिक करते हैं ये बेसिक लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा अलबा ऊपर ऊपर से ज़रूर बता दूँगा सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास एक्सचेंज रेट पी के आर स्लैश स्लेशी लिखा हुआ है अगर आपके पास रेट पी के आर लिखा हुआ है तो ये वाली अमाउंट पहले पड़ी जाती है यानी कि पी के आर वन जीरो फ़ाइव पॉइंट सेवन फ़ाइव पर यू डॉलर या पी के आर वन ज़ीरो फाइव पॉइंट नाइन फ़ाइव पर यू डॉलर यानी कि एक यू डॉलर इतने या इतने पी के आर के बराबर है इस तरह से इसको पढ़ा जाता है अच्छा सबसे चीज़ पहली चीज़ हम अगर यू एस डॉलर्स की फॉरवर्ड मार्केट वाली वर्किंग की बात करें तो वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो यू एस डॉलर्स रिसीव होंगे वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो यू एस डॉलर्स रिसीव होंगे हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जो डीलर होगा वो अपना फ़ायदा सोचेगा और आपको अनफेवरेबल रेट मिलेगा इसकी लॉजिक थी इसी पे वो कमाता है और इस लॉजिक के हिसाब से अब देखो यहाँ पर दो रेट्स हैं एक रेट ये है कि एक डॉलर वन जीरो फ़ाइव पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ के बराबर हो और दूसरा रेट है कि एक डॉलर वन सेवन वन जीरो फ़ाइव पॉइंट नाइन फाइव डॉलर के बराबर हो सॉरी वन जीरो फ़ाइव नाइन फाइव एक डॉलर वन ज़ीरो फाइव पॉइंट नाइन फाइव रुपीज़ के बराबर हो तो हमने हमेशा पढ़ा था कि हमें रेट इस तरह से याद रखने हैं कि डीलर हमेशा अपना फ़ायदा लेगा यानी कि जब मैं उसको वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो डॉलर दूंगा कि भाई इसको एक्सचेंज कर कर वो मुझे पी के आर में दो तो यह हर डॉलर के अगेंस्ट कम वाला रेट मुझे देगा यानी कि क्योंकि मैं डॉलर उसको बेच रहा हूँ मेरे पास डॉलर आए मेरे पास डॉलर आए मैं डॉलर गया डीलर के पास लेकर मैंने डीलर को डॉलर दिए तो डॉलर बोलेगा एक डॉलर के अगेंस्ट मैं तुम्हें तो लोअर वाला लोअर वाला कम वाला कम वाला कौन सा है वन जीरो फ़ाइव पॉइंट सेवन फ़ाइव इतना रुपया दूंगा एक डॉलर के अगेंस्ट तो जो मेरे टोटल डॉलर्स है वो कन्वर्ट होकर कितने बनेंगे वन ज़ीरो फ़ाइव पॉइंट सेवन फाइव इसकी लॉजिक हमने पढ़ी है इसकी लॉजिक हमने समझी है ठीक है ऐसी बात नहीं है कि हमने इसकी लॉजिक नहीं समझी है क्योंकि हम अभी पास पेपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को समराइज़ कर कर चलना पड़ता है लेकिन हम 105.95 वाला रेट यूज़ नहीं करेंगे हम बाई वाला रेट यूज़ करेंगे ठीक है और हम जो है वो 105.75 वाला रेट यूज़ करेंगे यानी कि अगर हम इसको डॉलर्स दे रहे हैं तो ये मुझे वन के हिसाब से पी या पाकिस्तानी रुपी देगा हाँ अगर हम डॉलर ख़रीदने जा रहे होते तो ज़्यादा वाला रेट यानी कि वन ज़ीरो फाइव पॉइंट नाइन फाइव अप्लाई होता यहाँ पर हम उसके पास डॉलर लेकर जा रहे हैं उसको बोले भाई रुपये दे दो तो वो काम वाले रेट पर मुझे एक्सचेंज कर कर देगा ये फॉरवर्ड का आउटकम हो गया यू एस डॉलर्स के लिए अच्छा इसी तरह से अगर हम पेमेंट की बात करें हमें दरम्स में पेमेंट करनी है और अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज ही एक रेट लॉक हो जाता है अब जब मुझे दरम में पेमेंट करनी होगी जब मुझे दरम में पेमेंट करनी होगी वन फाइव नाइन फाइव जीरो ट्रिपल ज़ीरो की जब मुझे धरम में पेमेंट करनी होगी पैसे पे करने होंगे तो पैसे पे करने के लिए मैं डीलर के पास जाऊंगा और डीलर को बोलूंगा कि मुझे तुम दरम दो मैं रुपये देता हूँ अब उसने अगेन इस वन मंथ फॉरवर्ड के दो रेट्स बताए हुए ट्वेंटी यानी कि एक दरम ट्वेंटी एट का और एक रेट बताया हुआ है ट्वेंटी यानी कि एक दरम ट्वेंटी एट का तो जाहिर है कि जैसे हमने अपने रेट्स याद करने के लिए रखा हुआ है दिमाग में कि हमारा हमेशा नुकसान होगा डीलर का हमेशा फ़ायदा होगा तो इसका मतलब ये कि जब मैं ये डॉलर्स लेकर कर जाऊँगा तो एक्सचेंज तो हो जाएंगे लेकिन हर डॉलर के सॉरी हर दिरहम के अगेंस्ट मुझे ज़्यादा वाला रेट यानी कि ट्वेंटी एट पॉइंट एट वाला अमाउंट जो है वो अप्लाई होगा एप्लीकेबल होगा और उस हिसाब से पैसे देने होंगे और ये बन जाते हैं कोई फाइव सिक्स वन समथिंग ना इस पूरे को मैं जो है वो ज़रा कॉमा में कन्वर्ट भी कर लू ठीक है तो ये आपके आउटकम्स बनते हैं ये आपके आउटकम्स बनते हैं इतना पीके आर आप रिसीव करोगे एक महीने बाद इतना पीके आर आप पे करोगे एक महीने बाद जाहिर सी बात है ये आपके डॉलर में रिसीव होगा डॉलर में रिसीव होगा आप पीके आर में कन्वर्ट करोगे ये आपको दिरहम में पे करना है तो इतने रुपए देकर और आप दिरहम लोगे और उसकी पेमेंट करोगे ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला चक्कर था फिर हमारे पास मनी मार्केट है आता है मनी मार्केट है आता है तो अब हम मनी मार्केट हेज की तरफ जाते हैं मनी मार्केट हेज में हम क्या करते थे कि हम जो है वो बोरिंग और लैंडिंग रेट्स की मदद देकर और अपना जो हेजिंग का एक्सपोजर या रिस्क होता था उसको मिनिमाइज करते थे अच्छा जितने भी रेट्स दिए हुए हैं वो एनुअल रेट दिए हुए हैं सालाना रेट दिए हुए हैं ठीक है सबसे पहले हम यूएस डॉलर्स की हेजिंग कर लेते हैं देखिए आपको पता है आपको पता है आपको पता है क्या आपको एक साल बाद इतने डॉलर्स रिसीव होंगे आपको पता है कि आपको एक साल बाद इतने डॉलर्स रिसीव होंगे तो मनी मार्केट हेज के भी कुछ स्टेप्स थे जो मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं और आई होप कि आप लोगों तो ने उसको कॉपी किया होगा लिखा होगा रिसीविंग के और पेमेंट के दोनों के कुछ स्टेप्स थे अगर मुझे पता है कि वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो मुझे रिसीव होंगे तो स्टेप नंबर वन ये होता था कि मैं ये देख लूँ कि यार मैं क्या करूँगा कि मैं आज जो है वो ये कहीं से बोरो कर लेता हूँ मैं कुछ डॉलर्स आज बोरो कर लेता हूँ मैं कुछ डॉलर्स आज बोरो कर लेता हूँ आज बोरो कर लेता हूँ ताकि वो कुछ टाइम बाद वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो हो जाएँ इंटरेस्ट uh, के साथ तो उसको मैं पे ऑफ़ कर दूँ तो आज मैं कितने डॉलर्स बोरो करूँगा ताकि मुझे जब वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो की रिसीवेंगे तो मैं उससे पे ऑफ़ कर दूँ इसके लिए मेरे अमाउंट को डिवाइड किया अमाउंट को डिवाइड किया वन प्लस फाइव पॉइंट कितना रेट है बोरिंग का बोरिंग का रेट जो वहाँ पर दिखा रहा है मुझे मुझे ये जो यू का बोरिंग का रेट है ना यू में मैं बोरिंग करूँगा तो फाइव पॉइंट फाइव जीरो परसेंट का रेट दिखा रहा है ठीक है अच्छा मेरा सवाल क्या है एक महीने बाद ये ट्रांजेक्शन होंगी और ये रेट एनुअल रेट होता तो फाइव पॉइंट फाइव जीरो परसेंट डिवाइडेड बाई बारह जब ये हेज कंप्लीट कर दूंगा मनी मार्केट तो मैं आपको समझा भी दूंगा सारा मकैनिज़म सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इंटरेस्ट कि रेट की रिवर्स वर्किंग कर कर ना और ये देख लेना है कि आज जो है वो मैं कितने डॉलर्स बोरो कर सकता हूँ आज मैं वन फाइव एट नाइन सेवन वन फोर आज मैं वन फाइव एट नाइन सेवन वन फोर डॉलर्स बोरो करता हूँ तो होगा ये कि इंटरेस्ट के साथ मुझे वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो एक महीने बाद पे करने होंगे और जो मुझे रिसीविंग आएगी उससे मैं ये पे कर दूँगा फिर क्या क्या आ जाए फिर इसको आज के स्पॉट रेट पर कन्वर्ट किया जाए फिर इसको आज के स्पॉट रेट पर कन्वर्ट किया जाए यानी कि ये डॉलर्स हैं, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट किया जाए स्पॉट यानी कि आज क्योंकि अब ये आज की वैल्यू है ना, एक महीने पीछे ले आया इतना आज बोरो करूँगा ताकि एक महीने बाद ये जब रिसीव हो तो पे कर दूँ अच्छा जी तो अब स्पॉट रेट कौन सा यूज़ होगा हमेशा 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 हमारा नुकसान होगा तो हमें जो आ, क्या कहते हैं पीके आर करेंसी मिलेगी वो वन जीरो फाइव पॉइंट टू फाइव के हिसाब से मिलेगी इतने पैसे मिलेंगे ठीक है अच्छा फिर क्या होगा फिर हम इसका जो है वो क्या कहते हैं ये जो कन्वर्टेड अमाउंट है इसको हम लेंड कर देंगे इस, इस पर हम इंटरेस्ट कमाएंगे कितने टाइम का वही एक महीने का तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस यहां पर उधार देने का रेट क्या है सेवन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व क्योंकि एक महीने की बात है तो जाता है वन सिक्स एट थ्री सिक्स थ्री वन वन टू ठीक है यार देखो जरा इस मैकेनिज्म को मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँ इस मैकेनिज्म को मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँ देखो हुआ क्या आपको पता था कि एक महीने बाद मुझे वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो डॉलर्स रिसीव होंगे ठीक है आपने क्या किया आपने इतने डॉलर्स बोरो कर लिए आपने इतने डॉलर्स बोरो कर लिए आज बोरो कर लिए एक महीने बाद उधार एक महीने बाद इंटरेस्ट के साथ वो वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो बन जाएंगे मैं ये उधार वापस कर दूंगा ये जो मैंने डॉलर्स उधार में लिए इसको पीके में कन्वर्ट किया पीके में कन्वर्ट कर कर एक महीने के लिए मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया एक महीने बाद ये पैसे इतने बन जाएंगे ठीक है ना तो ये आपका मनी मार्केट है जो होता है यानी कि इफेक्टिवली इफेक्टिवली क्या हुआ इफेक्टिवली आपको एक महीने बाद इतने पी मिल रहे हैं इतने डॉलर्स के अगेंस्ट तो आपका इफेक्टिव रेट जो है वो बन रहा है वन जीरो फाइव पॉइंट फोर फाइव फोर टू फाइव ठीक है देखो होता क्या है होता ये है कि होता ये है कि आपने सबसे पहला क्या किया आपने इतने डॉलर्स बोरो कर लिए आज क्योंकि एक महीने बाद जब इतने पैसे आएंगे तो आप उससे ये उधार पूरा कर सकोगे कैसे इतना अगर उधार लेते हो ना इतना अगर आप उधार लेते हो तो डॉलर्स में उधार डॉलर्स में उधार जब वापस किया जाता तो है तो बोरिंग रेट 5.50 परसेंट है तो वन प्लस 5.50 परसेंट डिवाइडेड बाय 12 को अगर मैं करता हूँ चेंज तो वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल ज़ीरो बनता है ये मैं वापस कर दूँगा बात समझ में आ रही है ठीक है मैं जब वन फाइव एट नाइन सेवन वन फोर का उधार लेता हूँ ना वन फाइव एट नाइन सेवन वन फोर का उधार लेता हूँ तो वो उधार जो है वो सूद समेत वन फाइव नाइन सेवन ट्रिपल जीरो एक महीने बाद बन जाता है और पे ऑफ किया जा सकता है ये जो मैं उधार लेता हूँ उसको मैं लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता हूँ और लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा कर एक महीने के लिए डिपॉजिट कर देता हूँ ठीक है तो इफेक्टिव रेट मेरा ये वाला रेट बन रहा बात समझ में आ रही है ये थोड़ा सा एक मुश्किल मनी मार्केट है थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है इसका मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल भी किया हुआ है उसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं तो इफेक्टिवली क्या होता है इफेक्टिवली क्या होता है इफेक्टिवली क्या होता है कि मुझे एक महीने बाद वन सिक्स एट थ्री सिक्स थ्री वन वन टू पी के आर मिल रहे हैं देखो आज तक तो ये यूज़ नहीं हो सकते ना मैंने ये जैसे ही जैसे ही यू एस डॉलर का उधार लेकर रुपीज़ में कन्वर्ट करवाया मैंने उधार मैंने भी किसी को उधार दे दिया तो मेरे पास तो एक महीने बाद वन सिक्स एट थ्री सिक्स थ्री वन वन टू आएंगे विद इंटरेस्ट विद साढ़े सात परसेंट ओवर ट्वेल्व का इंटरेस्ट तो इफेक्टिवली एक महीने बाद मुझे इतने पी के आर मिल रहे हैं इतने डॉलर्स के अगेंस्ट तो वो मुझे इतना इफेक्टिव रेट दे रहा है अच्छा यू एस डॉलर्स की बात करते हैं यू एस डॉलर्स में अलग कहानी है देखिए इसमें तो मुझे रिसीव हो रहे थे पैसे यू एस डॉलर्स में मुझे पैसे पे करने वन नाइन फाइव जीरो ट्रिपल ज़ीरो पे करने वन नाइन फाइव जीरो ट्रिपल ज़ीरो पे करने पे करने का क्या मतलब है पे करने का मतलब है किसी को देने हैं तो जब किसी को देने हैं ना तो मैं क्या करता हूँ इसके भी कुछ स्टेप्स हैं मैं आज इतने डॉलर्स जमा कर दूं कि वो ग्रो कर कर वन नाइन फाइव जीरो ट्रिपल ज़ीरो बन जाए अब सॉरी धरम धिरम का लैंडिंग रेट कितना है धरम का लैंडिंग रेट है फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट तो मैंने क्या किया ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाई वन प्लस सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला साढ़े कितना परसेंट है फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व देखिए इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि इतने पैसे इतने पैसे एक महीने बाद ये बन जाएंगे इतने धर्म इतने धर्म इतने धर्म एक महीने बाद ये बन जाएंगे और मैं अपना उधार पे कर दूंगा इतने धर्म इतने धर्म इतने धर्म एक महीने बाद ये वाले पैसे बन जाएंगे और मैं अपना उधार पे कर दूंगा कैसे बन जाएंगे सर ऐसे बन जाएंगे क्योंकि तुमने इतने धर्म जो है वो एक जगह पर जो है वो दरम्ज़ में यू में इन्वेस्ट कर दिए हैं फाइव का रेट है तो एक महीने का जो इंटरेस्ट बना इस पर वन नाइन फोर वन टू सिक्स फोर पर एक महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा तो वो वन नाइन फाइव जीरो ट्रिपल ज़ीरो बन जाएंगे मैं पे कर दूंगा अब इतने धरम जब आपने कहीं जमा करने हैं किसी बैंक में ताकि आप उस पर फाइव पॉइंट फोर जीरो इंटरेस्ट कमा सको तो वो आपको चाहिए भी होंगे अब आप तो पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तानी रुपीज़ को डरम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अच्छा जब पाकिस्तानी रुपीज़ को दिरहम्स में कन्वर्ट करना है आज 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 तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बैंक अपना फ़ायदा सोचेगा तो बैंक मुझे जो है वो ये दिरहम्स अगर मुझे ख़रीदने हैं तो बैंक जो है वो मुझे दिरहम्स बेचेगा कितने में ट्वेंटी एट पॉइंट वन का एक दिरहम देगा या ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव का सर महंगा वाला हमेशा बैंक अपना नुकसान सोचेगा तो फ़ायदा सोचेगा तो आपने ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव से मल्टीप्लाई किया ठीक है ये बन गया फाइव फाइव जीरो थ्री फोर एट फोर थ्री अब इतने पैसे आपने क्या किया ये पी के आर ये पी के आर किसी से बोरो करे ताकि आप उसको द्रम में कन्वर्ट करो कन्वर्ट किया और फिर आपने इसको डिपॉजिट करा और जब आपने इसको डिपॉजिट कराना तो जो इंटरेस्ट रेट था उस हिसाब से ये डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट आपको एक साल बाद सॉरी एक महीने बाद इतना बन जाएगा आप पे कर देना अब ये पी में जब कन्वर्ट किया तो इतना पी बनता है अब ये पी चाहिए भी तो ये पी के आर दरम में कन्वर्ट होंगे आप इन्वेस्ट करोगे इतने बन जाएंगे आई रिपीट ये पी के आर दरम में कन्वर्ट होगे आप इन्वेस्ट करोगे इतने बन जाएंगे ये पी के आर द्रम में कन्वर्ट होंगे आप इन्वेस्ट करोगे इतने बन जाएंगे।, जाएंगे लेकिन ये पी के आर आएंगे कहाँ से ये पी के आर बो करने पड़ेंगे तो अब आप इसकी बोरोइंग करोगे और कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी आपको फाइव फाइव जीरो थ्री फोर एट फोर थ्री की बोरोइंग करनी पड़ेगी कितने टाइम के लिए एक महीने के लिए तो एक महीने बाद जब आप ये लौटाओगे तो कितने लौटाने पड़ेंगे वन प्लस इस पर सूद पाकिस्तान में नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो परसेंट है डिवाइडेड बाई बारह एक मिनट ये है एन पंद्रह फाइव फाइव फोर सेवन जीरो फाइव थ्री सिक्स देखो होगा क्या आप इतना उधार लोगे उसको दरम में कन्वर्ट करवाओगे दरम ग्रो कर कर एक महीने बाद इतने हो जाएंगे पैसे पे कर देना लेकिन जब आप इतना उधार एक महीने के लिए लोगे तो वो फाइव फाइव फोर सेवन जीरो फाइव थ्री सिक्स का पड़ेगा तो इफ़ेक्टिवली इफेक्टिवली इफ़ेक्टिवली आप ये जो दिरहम हम आप चाहते थे कि आपके पास हो इसके लिए आपको जो उधार और इंटरेस्ट है वो इतना चाहिए यानी कि ये जो कन्वर्जन रेट आ रहा है अच्छा मैं इस कन्वर्जन रेट को ऐसे कर देता हूँ इस कन्वर्जन रेट को इससे इसको डिवाइड किया ना ट्वेंटी एट पॉइंट फोर फोर का कन्वर्जन रेट बन रहा है अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं जो कॉन्सेप्ट आपकी रेगुलर क्लासेस में आपने कवर करे होंगे उसको यहाँ पर अप्लाई किया ठीक है आप अच्छे से सवाल को देखें अच्छे से सवाल को देखें और हेजिंग के जो मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई थी उसको देखें कि किस तरह से हम जो है वो आ, क्या कहते हैं हेजिंग के कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं ठीक है और एक दो बार इसको एटलीस्ट देखें सॉल्व करें समझें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़